बड़ी खबर ये आ रही है हमारे सामने। पहले चरण में फिर ईवीएम पर उठे सवाल, ईवीएम पर पहले चरण में सवाल उठे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर में ईवीएम खराबी पर आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, जितन राम मांझी का आरोप, गया में जानबूझकर खराब की गई ईवीएम। ईवीएम को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं यहां पर। पहले चरण में ईवीएम पर सवाल उठे हैं और ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से मुजफ्फरनगर में पुलिस से भिड़ते हुए, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। बताया जा रहा है कि ईवीएम में खराबी की खबरें आ रही है। बीएसपी का आरोप है कि दलित वोटरों को वोट देने से रोका गया है। अलग अलग खबरें आ रही हैं, इसका मतलब क्या है? जितन राम मांझी का आरोप है कि गया में जानबूझकर खराब ईवीएम लगाई गई है। थोड़ी देर पहले पुंछ में शाहपुर बूथ पर ईवीएम में कांग्रेस का बटन खराब, यह भी जानकारी आ रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।